फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जब भी मुझे अपनी स्किन के लिए कुछ भी कराना होता है तो मैं आई ओनली ट्रस्ट हर बिकॉज शी इज़ द बेस्ट. एंड यू नो इनके क्लिनिक में सबसे खास बात यह है दैट इट्स वेरी पॉजिटिव और बहुत ही चिल्ड आउट वाइब है. क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है व्हेन वी गो टू अदर क्लिनिक्स ना, थोड़ा सा एक डर सा होता है कि यू नो परमानेंट मेकअप है, पता नहीं क्या होने वाला है, कितना पेन होने वाला है. तो मुझे यहाँ पे आके एकदम रिलैक्स फील होता है, चाय पियो, बिस्किट खाओ और बढ़िया अपना परमानेंट मेकअप करवाओ और जो स्किन का कराना है कराओ. शी इज़ द वन, जितने लोग ये देख रहे हैं, यू नो शी इज़ अ डियर फ्रेंड एंड आई लव कमिंग हियर एंड इट्स हर बर्थडे. तो मैं स्पेशली बर्थडे के लिए मिलने आई हूँ और सबसे खास बात ये है कि इनका बर्थडे है लेकिन मैं सजने संवरने के लिए मैं आई हूँ. आई वॉन्ट कि आज मेरी स्किन का कुछ ऐसा कर दो आप कि मैं अच्छी लगूँ, थोड़ी सी थोड़ी खिल के आ जाए. बिकॉज इतना हम मेकअप करते हैं, इतना हम ट्रैवल करते हैं ना, तो स्किन थोड़ी सी टायर्ड सी हो जाती है. तो आई वॉन्ट कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं करा दो यार कुछ आप. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं अपनी फ्रेंड को ये बोलूंगी कि यू नो लाइक ये पहले से ही इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी प्रिटी है कि जब भी वो आती है तो मैं पहले उससे पूछती हूँ कि तुम आई क्यों हो. फिर भी डेफिनेटली स्किन को फूड चाहिए, स्किन को अच्छा दिखाने के लिए, यू नो बिकॉज ये रोजाना इनका मेकअप करना, यू नो शूट्स में जाना, तो वो टायर्डनेस आ ही जाती है. तो डेफिनेटली उनको 2-3 महीने में एक बार आने की ज़रूरत पड़ ही जाती है. पर जब पहली बार आई थी तो मैंने उनको बोला था आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल्सो शी इज़ वेरी यू नो शी डजंट वॉन्ट समथिंग वेरी आर्टिफिशियल थिंग्स, शी जस्ट नीड अ स्किन ट्रीटमेंट एंड लिटिल बिट एनहेंसमेंट ऑफ हर फीचर्स. ये बर्थडे का मुझे समझ में नहीं आया कि जस्लीन को आज ही आना था, उसे मेरा बर्थडे याद है. तो आई एम सो हैप्पी कि उसने मेरे बारे में इस टाइम में कि मैं थेरेपी भी ले लूँ, कुछ करवा भी लूँ और साथ में अपनी फ्रेंड को भी विश कर दूँ. आई एम रियली हैप्पी कि वो इतना सोचती है. थैंक यू सो मच. एनी टाइम एनी टाइम. जस्लीन, स्पीकिंग अबाउट मेकअप एंड परमानेंट मेकअप, यू नो आई मीन जब भी हम आपको देखते हैं तो दैट काइंड ऑफ अ नेचुरल ग्लो जो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे आता है, आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने आपको कहा भी होगा. तो हाउ इंपॉर्टेंट इज आई मीन दीस थिंग्स ऑफ जो परमानेंट मेकअप होता है, जो नॉर्मल मेकअप होता है, ये सारी चीजें कितनी जरूरी होती है स्पेशली फॉर वुमेन. सो वॉट आई फील इज़ के परमानेंट मेकअप इज समथिंग जो आपके फीचर्स जो है वो चेंज नहीं करता. परमानेंट मेकअप सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा फेस पे, मतलब हमेशा के लिए. शायद इफ़ यू डू लिप ब्लशिंग ट्रीटमेंट या कुछ ऐसे तो लोगों को लगता है पता नहीं हमेशा एक लिपस्टिक रहेगी, यू नो, एंड मे बी हम कोई और लिपस्टिक नहीं लगा पाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव ट्राइड इट एंड शी डज फॉर मी. तो मुझे पता है कि कितना सिंपल ट्रीटमेंट है, पेनलेस है और साथ में इट जस्ट गिव्स यू अ नाइस टेंट जिसके ऊपर यू नो इफ़ यू वेयर अ रेड और इफ़ यू वेयर एनी अदर कलर वो और खिल के आता है. दैट्स वॉट आई फील. एंड आई थिंक बहुत एक डिफरेंट टाइप का नरिशमेंट आपके लिप्स को मिलता है और इवन इफ़ यू डू योर आईब्रोज और योर स्किन, जैसे बीबी ग्लो ट्रीटमेंट जो कराते हैं, यू नो इट जस्ट गिव्स योर स्किन दैट शाइन या यू नो एक ग्लो यू कैन कॉल इट. तो जितना लोग डरते हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है. मतलब आम तौर पे बहुत लोग ये एक्चुअली करते हैं एंड इट्स सक्सेसफुल, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. आई पर्सनली लाइक इट एंड लाइक शी सेड हर 2-3 महीने में इवन व्हेन आई हैव टू मीट हर, आई जस्ट कम एंड मीट हर और मैं कहती हूँ कुछ अपने हिसाब से कर दो. आई ट्रस्ट हर सो मच दैट आई जस्ट टेल हर कि यू नो डॉक्टर जो लगता है कि मिसिंग है वो आप कर दो एंड शी डज इट फॉर मी एंड आई एम सॉर्टेड. डॉक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग डरते हैं, तो आई मीन व्हाट डू यू फील कि क्यों ऐसे होता है और आप क्या कुछ कहेंगी. आई मीन सी, जैसे कि आपको जसलीन ने अभी अभी बताया है कि मैंने खुद किया है और वो मेरे पास आके करवाती रही हैं, तो उनको कोई ऐसा नहीं लगा है कि फीचर्स चेंज हो गए हैं. फीचर्स चेंज होने की बात नहीं है, फीचर्स एनहेंस करने की बात है इसमें. तो आज आप देख रहे होंगे कि आईब्रोज में अगर आपका थोड़ा लाइट कलर है तो उसमें थोड़ा एक कलर और 3D लुक देके उसको नेचुरली नेचुरल तरीके से उसको एनहेंस करने से उसमें एक जान आ जाती है. तो एक ब्यूटी खिल के आती है. तो कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं आप ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हो, तो ऐसा परमानेंट मेकअप में बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ तक कि हम आगे की और बातें करें, जैसे एसिड अटैक लोग हैं
और कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स आ गई है किसी को, तो उनके फीचर्स में कट पड़ जाता है, और हाँ कैंसर सर्वाइवल है उनके पास, अगर यू नो देयर सम इश्यूज ऑफ लूजिंग देयर ब्रेस्ट एंड इम्प्लांटेशन के बाद उधर एरियोला में थोड़ा यू नो डिसकलरेशन है या निपल एनहेंसमेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम ये सब काम करते हैं. तो परमानेंट मेकअप इज़ समथिंग टू एनहेंस, इट इज़ नॉट समथिंग टू चेंज. सो पहले तो मैं ये पब्लिक के दिमाग से ये निकालना चाहती हूँ. तो रही बात ब्यूटी की, आई थिंक आइए और परमानेंट मेकअप से आप अपने आप को ब्यूटीफुल बनाइए और इसको इंजॉय करिए, तो डरिए मत. डेफिनेटली रेकमेंडेड है एंड डेफिनेटली ट्राई कीजिए. आप इतनी जगह पे जाती है, शूट करती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाती है, तो इन टाइम में कैसे खुद की स्किन का ख्याल रखती है, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि फैंस बहुत ही ज़्यादा मतलब जान के खुश होंगे कि कैसे आप खुद की स्किन का ध्यान रखती हैं. एक्चुअली ना मैं कोई स्किन रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ. तो व्हाट आई डू इज़, जैसे बहुत सारे लोग हैं मुझे ये कहते हैं तुम्हारी स्किन ड्राई हो जाएगी, तुम मेकअप करती हो, मेकअप उतारने के बाद उसको स्किन पे कोई मॉइस्चराइज़र लगाओ, पर पता नहीं मेरी बचपन से आदत है, मुझे कोई भी ऑयली चीज़ अपनी बॉडी पे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मैं ना ही अपनी बॉडी पे कुछ क्रीम लगाती हूँ, ना अपने फेस पे लगाती हूँ, एंड दैट इज़ द ट्रूथ. अब लोगों को बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे यार नहीं, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, आप सब कुछ लगाते होगे बट हमें ऐसे बोल रहे हो, बट ये सच बात है कि मैं कुछ नहीं लगाती हूँ अपने फेस. मैं उसका आंसर मैं करती हूँ, क्योंकि वो नेचुरली यहाँ आती हैं और मेरे से ट्रीटमेंट करवाती है, तो मुझे पता है कि वो कुछ करती ही नहीं है. उनको जबरदस्ती करवाना पड़ता है, बिकॉज रीजन बीइंग इज शी इज पुटिंग लॉट ऑफ मेकअप, तो उससे थोड़ा स्किन डिहाइड्रेट हो जाती, थोड़ी सी ड्राई हो जाती है. तो आई फील कि 2-3 महीने में अगर ऐसा कुछ मैं करा लूँ स्किन नरिशमेंट के लिए, दैट वर्क्स फॉर मी. तो मुझे इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता कि मतलब मुझे अपनी स्किन के लिए ये भी करना है, वो भी करना है. अब लॉट ऑफ पीपल सी बिग बॉस में जब मैं थी, वहाँ पे 24 घंटे तो आप मेकअप में नहीं रहते हो, तो लोगों को बहुत पता भी है कि मेरे फेस पे तो यू नो पुराने पिंपल मार्क्स भी थे, बट अब वो पिंपल मार्क्स जो है वो थोड़ी सी स्किन पील भी कर ली हमने, और वो सब वो कम भी हो गए, वो चले भी गए. तो इतना मैंने कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं उस चीज़ का. आई नो के दे आर पीपल यू नो हु टेक केयर ऑफ योर स्किन, एंड डॉक्टर शगुन गुप्ता है यहाँ पे, और यू नो शी इज़ अ फ्रेंड, और मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. सो आई जस्ट कम टू हर एंड सॉर्ट आउट हो जाता है मेरा प्रॉब्लम. इनका एक ही इशू है, उनका स्किन में थोड़ा ऑयलीनेस ज़्यादा है, उसको मेंटेन करने के लिए हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ऑयली स्किन इज टोटली डिफरेंट देन अ ड्राई स्किन, तो पिंपल्स आने के चांसेस बहुत होते हैं. राइट. ऑल्सो शगुन मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत ही कम लोगों को पता है कि परमानेंट मेकअप जैसी चीज है, तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल मेकअप और परमानेंट मेकअप में, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को. जाहिर सी बात है कि जब परमानेंट मेकअप की बात आती है और नॉर्मल मेकअप की बात आती है, तो नॉर्मल मेकअप इज समथिंग विच यू गो होम एंड पानी लगाते हो तो वो निकल जाता है, और परमानेंट मेकअप इज समथिंग जो पानी से नहीं उतरता है. तो इसकी लास्टिंग, इसके यू नो ये सब डिपेंड करता है कि प्रोसीजर आप कौन सा कर रहे हो, और कितनी सिटिंग इस पे लगेगी, और कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा. ये सब डिपेंड करता है आपके यू नो आप कौन सी जगह पे काम कर रहे हो. लिप्स पे काम कर रहे हो तो उसकी ड्यूरेशन उसके हिसाब से होती है, अगर आप आईब्रोज में काम कर रहे हो तो उसका ड्यूरेशन उसके हिसाब से होता है. यू नो इट ऑल डिपेंड अपॉन द एरियाज वेयर यू आर बेसिकली ऑप्टिंग फॉर द ट्रीटमेंट. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जैसे वी सी डे टू डे लाइफ में जिनको लैशेज कम होते हैं, तो दैट इज सेमी परमानेंट, दे पुट लैशेज एंड दे कम ऑफ, वो निकल जाते हैं 20-25. सो दे आर लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी यू नो आईब्रोज नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलोपेशिया. हाँ, तो उनके होते ही नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट इज के परमानेंट मेकअप में द वे यू क्रिएट द स्ट्रोक्स एंड यू मेक इट लुक एज सच जैसे कि वो रियल हेयर मिमिक है. हाँ, मिमिक मतलब इट लुक सो नेचुरल कि मतलब आपको उस चीज़ की चिंता करने की ही जरूरत नहीं है. तो हर चीज़ का मतलब एक सोल्यूशन अब आ चुका है, एंड अ सेफ सोल्यूशन विच इज़ द बेस्ट थिंग. हाँ, सेफ है, लेकिन यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू एड ओनली वन थिंग हियर कि आर्टिस्ट हैज टू बी गुड हियर, अदरवाइज इट मे गो रॉन्ग. गुड आर्टिस्ट, अदरवाइज वो फील आ जाएगा कि आपने टैटू किया है, यू नो यू आर गोइंग टू डीप, यू आर टेयरिंग द टिश्यूज, तो वो टिश्यूज आपका स्किन का ध्यान रखना, यू आर नॉट गोइंग टू डीप. तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. How educated the client is, how educated the artist is, and then the person who is coming, they don't come without Google anything, you know. They search, they know what they are going to do. So they are more aware of things more than other people. So करने से पहले वो भी
सर्च करके आता है और करने और 10 क्वेश्चंस उसके भी होते हैं. तो इफ़ द क्लाइंट फील्स कि यहाँ पे उनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो इट मीन्स दे आर इन अ रॉन्ग प्लेस. अगर उनको सारी चीज़ों के आंसर मिल रहे हैं तो मीन्स दे कैन ट्रस्ट, बिकॉज इसमें हाइजीन का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज यू आर गोइंग डीपर इन द स्किन, यू आर वर्किंग डर्मिस और एपिडर्मिस एंड डर्मिस, सो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट यू. राइट, ये तो हुई मेकअप की बात. ऑन अ लाइटर नोट, शगुन जी का जन्मदिन है कल, क्या गाना कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत ही अच्छी सिंगर है. अच्छा, तो मैं गा के ही विश कर देती हूँ. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुझे हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, haha. Happy birthday to you, haha. Happy birthday to Shagun Gupta. Happy birthday to you. She is awesome. Too good. Thank you. Jaslyn, lastly आपसे जानना चाहूँगा, आज जो है Big Boss का premiere है, कितनी excited है Big Boss के लिए आप? क्या बात है, आज पता चलने वाला है सबको कौन contestants होने वाले हैं, तो सारे ही excited. Obviously मैं भी excited हूँगी यार. I'm very excited. आज इनसे मिलके, आज इनसे treatments लेके मैं घर जाके TV on करके बैठ जाऊँगी और देखूँगी कौन कौन आया है. Thank you so much. Thank you. Thank you.